और रास्तों में इस तरह से बड़े बड़े खंभे की तरह बनाए गए हैं। ये देखिए आप, अब हम चल रहे हैं मंदिर की तरफ, राम मंदिर में। और पहले हमें यहाँ से टिकट लेना, मतलब कूपन लेना पड़ेगा। कूपन लेने के बाद ही आप आरती में शामिल हो सकते हैं। तो पहले हम कूपन लेंगे यहाँ से। ये देख सकते हैं आप भाई, रास्ते बहुत ही भव्य लग रहे हैं। ये लग रहा है कि हाँ, यहाँ हर जगह स्वास्तिक बने हैं, प्रभु श्री राम के सूर्य स्तंभ बने हुए हैं, श्री राम धनुष बाण बने हुए हैं। मतलब अभी कार्य यहाँ चल भी रहा है और कितना काम देख सकते हैं कि हो भी चुका है। वाह, और पूरे जितने भी दुकानें हैं, दुकान के शटर पर पूरा भगवान श्री राम का ही नाम लिखा हुआ है। हनुमान जी गदा बनी हुई है, उनके तिलक बने हुए हैं, स्वास्तिक है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है ये अयोध्या के राम पथ मार्ग का, जो कि आप देख पा रहे हैं। ये देखिए, और साफ सफाई तो यहाँ पर निरंतर चलती ही रहती है। और यहाँ चल रही कथा हमारे बाबूजी की, हमारे परम पूज्य चिन्यानंद महाराज बापूजी की, जिसे आप देख सकते हैं। पूरा आपको यहाँ का वीडियो बनाकर दिखाने वाली हूँ किस तरह से यहाँ तैयारी चल रही है 22 जनवरी की। आप सब जानते हैं 22 जनवरी एक वो दिन है जो कि एक सुनहरे अक्षर लिखा जाएगी हमारे, क्या कहते हैं, हमारे हिंदू समाज में, हिंदू साम्राज्य के लिए बहुत बड़ा ये दिन आने वाला है। उस दिन की कल्पना भी आप कर नहीं सकते कि वो दिन कितना खास होने वाला है। एक बहुत बड़ी हमें उपलब्धि प्राप्त हुई है जिसका हम जश्न मनाएंगे, खुशियाँ मनाएंगे, लेकिन हाँ, लेकिन घर से मनाएंगे, यहाँ नहीं आएंगे। तो यहाँ आना बहुत ही मुमकिन नहीं है। प्रभु श्री राम तो हमारे मन में बसते हैं। ये देखिए गाइस, यहाँ पर कितनी सारी दुकानें हैं जो लाइन से पूरा हर जगह ऐसे यहाँ पर बना हुआ है। प्रभु श्री राम के यहाँ पर चिन्ह बने हुए हैं, उनकी यहाँ पर सारी बातें लिखी गई हैं। मतलब तो पूरा ये लग रहा है कि हाँ, अयोध्या आप जंक्शन से बाहर आएंगे ना तो अब फील आएगी कि पूरा अयोध्या में ही यहाँ पर हम आ चुके हैं। पर दुकान लाइन से ऐसी ही बनी हुई है, एक लाइन दुकान, सब एक ही रंग में। गाइस देखिए, ये रोड के साइडर में सब फुटपाथ ही बनाए गए हैं, है ना, कि इसे आराम से लोग चल सकें। देखिए, और ये पूरा देख सकते हैं किस तरह से ये मार्ग बनाया गया है, राम पथ मार्ग। ये देखिए गाइस, हम चल रहे हैं मंदिर की तरफ। देखिए आप, ये है मंदिर श्री राम जन्मभूमि अयोध्या का, ये खूबसूरत मंदिर। देखिए यहाँ भी काम चल रहा है, 18 जनवरी तक सारा काम खत्म हो जाएगा। ये देखिए, ये है हमारा आरती पास काउंटर, जहाँ पे आपको आरती के लिए यहीं से पास मिल जाएगा। बिना पास के आपको आरती में एंट्री नहीं मिलेगी। तो पहले आप पास लीजिएगा, उसके बाद ही आरती के लिए खड़े हो सकते हैं। गाइस यहाँ पूरा डिटेल दिया गया है, देखिए सुबह 6 बजे से आरती का पट खुल जाता है, तो आरती में पास आपको मिलेगा। जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का, देखिए ये फ्री लॉकर रूम है, ये देखिए। और ये सब सारी चीजें इतना काम अभी हो रहा है। देखिए यहाँ से ये आपका मेन एंट्री गेट है, और इस तरह से बड़े बड़े स्तंभ लगाए जा रहे हैं। अभी काम बहुत से हुए, बहुत अधिक काम बाकी भी है। ये देखिए, इस तरह से पूरा एंट्री गेट बनाया जा रहा है, जो कि बहुत ही प्यार लग रहा है गाइस। ये देखिए, ये सब काम तो इस तरह से हो चुके हैं, ये पूरा काम ऐसे ही मंदिर तक हुआ है, बता दूं आप सभी को। गाइस ये देखिए, रास्ते भी कितने ज्यादा प्यार लग रहे हैं। देखिए अभी इसमें घिसाई वाला काम बाकी है, ये सब पूरा नया काम अभी होकर तैयार हुआ है। ये देख सकते हैं आप, दोनों तरफ से ये धर्म पथ मार्ग को सजाया जा रहा है। तैयारी चल रही है पुरजोर तरीके से 22 जनवरी की, ये आप देख सकते हैं गाइस। ये देखिए, यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड को भी तैनात किया जा रहा है 22 जनवरी के प्रोग्राम के लिए। गाइस यहाँ देखिए पोस्टर लगा हुआ है,
अयोध्या नगरी में आपका स्वागत है। तो कुल इस तरह से ऐसे ही पूरा ये मार्ग सजाया गया है अयोध्या नगरी को हमारे। यहाँ देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ भी अभी काम चल ही रहा है नक्काशी वाला, किस तरह से पत्थरों को काट करके यहाँ पर पूरा ही ये डिजाइन बनाई जा रही है, कलाकृतियाँ खेली जा रही हैं, ये आप देख सकते हैं। देख सकते हैं गाइस यहाँ पर पूरा किस तरह से काम चल रहा है साफ सफाई वाला। देखिए यहाँ पर ये पूरा काम, ये पूरा मंदिर तक इसी तरह से ये पूरा प्रांगण बना हुआ है। देखिए पूरा ऐसे मंदिर तक यूं ही बना हुआ है और रास्तों में इस तरह से बड़े बड़े से खंभे की तरह बनाए गए हैं। ये देखिए आप गाइस यहाँ देखिए यहाँ पर स्टील की बैरिकेटिंग तैयार की जा रही है। गाइस देखिए अभी भी सब जगह काम होना बाकी है। देखिए ये है राम पथ मार्ग, आगे है मंदिर अयोध्या मंदिर और जगह जगह पर हमारी वानर सेनाएं मिल जाएंगी आपको इस तरह से आपका स्वागत करने के लिए। सिक्योरिटी बहुत ही टाइट है गाइस। अभी कार्य नियंत्रण गति से चल रहा है आगे। देखिए नगर से आगे अभी यह रास्तों को कुछ इस तरह सजाया गया है पूरा ही। कहीं भी आपको स्टील लोहा या मेटल नहीं मिलेगा, पूरा पत्थर को ही कुरेद करके पूरा कलाकृतियां बनाई गई है। गाइस ये देखिए यहाँ पर बन रही है चेकिंग रूम। देखिए मतलब बहुत अच्छे अच्छे नए नए कार्य हो रहे हैं जो कि आने समय पे आप उनका लाभ उठा पाएंगे। ये देखिए कार्य भी हो रहा है, अब आगे से आएंगे लोग भक्तगण आएंगे तो सबसे पहले यहाँ पे चेकिंग बूथ में सामान तो रखेंगे अपने, उसके बाद वहाँ से लाइन लगाएंगे और फिर दर्शन करने के लिए यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे। देखिए तो इस तरह चेकिंग बूथ बने हुए हैं। श्री राम दोस्तों, श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में आप सभी का स्वागत है और हम आ चुके हैं मंदिर से बाहर। दर्शन हमारे कर लिए, दर्शन करने से पहले आपको मोबाइल पर्स साइड आपको यहाँ पर लॉकर रूम है यहाँ पर जमा करनी पड़ेगी, इसके बाद ही आप अंदर मंदिर आ सकते हैं। कोई स्मार्टफोन में आप लेकर जा नहीं सकते, स्मार्ट घड़े कोई कॉस्मेटिक का सामान कुछ भी आपको डायरेक्ट एंट्री नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखिए कि मोबाइल और कोई भी सामान जैसे कि जो जरूरी चीजें हैं वो यहाँ लॉकर रूम में जमा करवा दीजिए और उसकी वजह से पैसे का बैग लेके आप अंदर जा सकते हैं, अन्यथा कोई भी चीज लेकर जा नहीं सकते। ये दिखाते हैं कि यहाँ पर मंदिर परिसर में कौन कौन से काम हुए हैं और कितना काम अभी होना बाकी है। 28 तक लास्ट टाइम मिला है यहाँ काम खत्म करने का, तो आइए देखते हैं काम कितना हुआ और कितना काम अभी होना बाकी। गाइस देखिए ये सबसे लंबी लाइन लगी हुई है दर्शन करने के रामलला की, इतनी लंबी लाइन लग चुकी है। दर्शन हमने किए तो बिल्कुल भी लाइन नहीं थी और अब देखिए इतनी लंबी लाइन लगी हुई है। ऐसे देखिए जगह जगह निःशुल्क लॉकर रूम बने हुए हैं जहाँ अपनी चीजों को आप रख सकते हैं। देखिए यहाँ पर अभी भी काम चल ही रहा है। अच्छा तो ये पूरा काम धर्म संघ मार्ग काम फिनिश हो जाएगा। कितनी संख्या में दर्शन करने जा रहे हैं, सबको पता है कि 22 फरवरी को एंट्री नहीं मिलने वाली है, तो दर्शन की जिनको लालसा है वो अभी ही दर्शन जा रहे हैं। जैसे पूरा काम किस तरह से हुआ है वो धर्म पथ मार्ग जो कि अयोध्या में अभी नया न्यू निर्माण हुआ है। देखिए अभी ये रास्ते बन ही रहे हैं, अभी रास्ते बन ही रहे हैं। एक राम भक्त जो बहुत दूर चल करके पैदल यात्रा करके और सिर्फ फल और फूल पर निर्भर होकर के यहाँ पर
अयोध्या नगरी में आए हुए हैं। लंबी यात्रा तय करके आप आ रहे हैं, तो कैसे आ रहे हैं और कहाँ से आ रहे हैं? मैं बंगाल से शुरू किया, पश्चिम बंगाल से, पश्चिम मेदिनीपुर से। जी जी, मेरा यात्रा जो शुरू है प्रभु के नाम से ही, प्रभु को बुलाते बुलाते प्रभु के नाम से, और प्रभु को याद करते करते प्रभु को गुनगुनाते और प्रभु का नाम लेते आनंद लेते 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 प्रभु के नाम से यहाँ तक मैं पहुँच चुका हूँ। काल में 26 दिन मैं पहुँचा हूँ, 13 तारीख को निकला था, काल मेरे को 26 दिन हुआ, आज मेरे 27 दिन हो गया। तो मैं 27 दिन से लगातार आप चल के ही आ रहे हैं। जी जी जी। अच्छा, मैं एक महीने का टारगेट लिया हुआ था, तो मैं 26 दिन में उसको पूरा कर लिया। तो प्रभु का नाम से ही मेरे संभव हुआ सब कुछ। प्रभु ऐसे ही है हमारा, जो उनका नाम लेते 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 सब हर काम अच्छे से हो जाते हैं। और प्रभु हमारा ऐसे ही है, उनके भक्ति से, श्रद्धा से, प्यार से, मन से उनको बुलाओगे, याद करोगे, मानोगे, तो प्रभु जरूर सुनेंगे, जरूर सुनेंगे। प्रभु है ही इतना प्रेमी। जय श्री राम, जय 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 श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम, जय 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 सीताराम, सीताराम, जय जय राम, सीताराम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हाथ उठा के बुलाया जाता है, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत ही प्यारा ये मंदिर बन के तैयार होगा, जबकि 22 जनवरी को तो देखने लायक होगा। लेकिन जो लोग नहीं आ पा रहे हैं, कोई बात नहीं, 22 जनवरी के बाद आएंगे। लेकिन जब ये मंदिर बनके पर भव्य तैयार होगा तो बहुत ही प्यारा होने वाला है, बहुत ही प्यारा। अभी मैं मंदिर के अंदर गई थी, बिल्कुल नहीं भीड़ नहीं थी, मैंने आरती के समय में पहुंच गई थी, प्रसाद मैंने खाया, पर काश मैं आप सबको ले आ पाती क्योंकि बहुत ही प्यारा सीन मतलब लग रहा था। रामलला सामने हमारे विराजमान थे और उनको देखते ही मेरी आंखों से जो आंसू निकले ना, और उन्होंने का नाम ही नहीं ले रहे थे। प्रसाद मिला हमें, खीर प्रसाद मिला वहाँ पर, लगभग 10 मिनट तक मैं उनको निहारती रही। जैसे मैं मंदिर प्रांगण से बाहर निकली और मैं अभी जाकर देखती क्या हूँ, तो मंदिर में खचाखच वाली भीड़ हो चुकी है, बहुत अधिक भीड़ अभी हो चुकी है। लाइन इतनी लंबी लगी हुई कि लगा लाइन का अंत कहीं होता दिखाई दे ही नहीं रहा है। तो बहुत ही बढ़िया दर्शन हमें हमारे रामलला के हो चुके हैं। मैं दूर तक को दिखा ही सकती हूँ कि यहाँ पे कार्य देखिए चल रहा है, देखिए मंदिर प्रांगण जहाँ पर अभी कार्य चल रहा है। गैस ये है मंदिर प्रांगण, क्या आप देख सकते हैं यहाँ पर कार्य चल रहा है, देखिए। और इधर था ये बाबरी मस्जिद। देख सकते हैं आप ये मंदिर प्रांगण कुछ इस तरह से बन रहा है, देखिए। कार निरंतर तेजी से आगे बढ़ रहा है।